Hanoi. The capital of Vietnam is known for its centuries-old architecture and a rich culture with Southeast Asian, Chinese, and French influences. At its heart is the chaotic old quarter, where the narrow streets are roughly arranged by trade. There is a lot to do in Hanoi. Visiting little temples, enjoying coffee culture, or just walking around the city, everything are at its best. In the video we are showing you a 3 days itinerary in and around Hanoi, including cruise trip in Ha Long Bay. Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to a new series. First time international travel kar raha hu. Kafi maza aa raha hai, excitement hai. She is meet her. She is my wife, Saloni Tandon. Say hi, Saloni. So, हमारी flight दिल्ली से थी. दिल्ली से दानांग के लिए कल रात को थी flight around 10:10 I guess. 10:10 में flight थी रात को, जो हमारे को यहाँ पे 3 बजे के अराउंड उतारी. 3 बजे वियतनामी टाइम के अकॉर्डिंग और अपने इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग इट्स 4:30. अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है हनोई के लिए. अभी हम सीधा हनोई के लिए निकल रहे हैं, तो वो 11 बजे की फ्लाइट है. तो अभी हम तो फिलहाल एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं. काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. इफ यू वांट टू हैव सम समथिंग टू ईट और हैव कॉफ़ी, तो जैसे अभी हमने कॉफ़ी पिया भाई साहब 285 रुपये का एक कॉफ़ी. इंडिया में भी वैसे इतना ही है, बट क्वालिटी वॉज वेरी गुड. हाँ, चीनी नहीं देते भाई साहब. चीनी हमने 4 सैसे डाली. हमने 4 सैसे चीनी डाली, तब थोड़ा वो टेस्ट आ रहा था. बाकी एवरीथिंग इज़ गुड. फॉर द नेक्स्ट 3 डेज मैं हनोई में ही रहूँगा, इंक्लूडिंग क्रूज राइड. तो बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे. बाकी बेस्ट थिंग, अगर जो आप वियतनाम आ रहे हो तो अगर जो आपको काफ़ी सस्ता फ्लाइट चाहिए तो वियरजेट से आप बुक करो. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप लाइक हनोई एंड होचिमिन सिटी आर वेरी पॉपुलर, राइट, पॉपुलर एयरपोर्ट. तो आप अगर जो उसके जगह पे दानांग की फ़्लाइट ले तो डायरेक्ट न्यू दिल्ली से, तो वो काफ़ी सस्ती पड़ेगी. यही कारण था कि हमने सीधे दानांग के लिए फ़्लाइट बुक करी और फिर यहाँ से हम हनोई के लिए दूसरी फ्लाइट है. सो अभी तक तो ऑल गुड. अभी करेंसी एक्सचेंज भी नहीं कराया है. वैसे इंडिया से हम इंडियन रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करा के लाए थे और अभी यहाँ देखते हैं. यहाँ कोई डॉलर नहीं दे रहा, तो आप चेंज कराए तो सीधे वीएनडी में ही कराएं. वीएनडी में करा सकते हैं. बाकी अभी हम हनोई पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम कन्वर्ट कराएंगे अपने पैसे को. और बाकी रेस्ट इज़ ऑल गुड. बाकी देखते हैं कैसा रहता है जर्नी. विल कीप यू पोस्टेड. अच्छा, ये चश्मा लगाया क्यों है हमने? स्टाइल, बट अच्छा लग रहा है. ये होता है भाई साहब फॉरेन कंट्री में, जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो अपने देश आलू भुजिया से काम चलाना पड़ता है. क्या करें, ये दुख भी हम सह लेंगे. अगर आप वेजिटेरियन ना तो अपने साथ अपना फूड कैरी करें. इंस्टेंट फूड उनके चक्कर में मैंने भी नहीं खाया. ये सब कहने की बात है. वैसे अपना फ्लाइट का वो तो हो गया. हाँ, बस कोई अटेंड करने के लिए आ जाए फिर सीधा फ्लाइट में. हम लोग काफी बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, क्योंकि हमने बोर्डिंग पास ले लिया था और फिर अपन कब से बैठे हैं. काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, काफ़ी बोर हो चुके हैं, क्योंकि बोर्डिंग पास हमने बहुत जल्दी ले लिया था. अपन घूम सकते थे. 7 बजे ले लिया था. हाँ, अपन ने 7 बजे बोर्डिंग पास ले लिया था. बट कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है. विल डू बेटर. इंसान इनकी गलतियों से सीख लेना प्लीज़. Yeah.
सो अभी हम हनोई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और पूरे वियतनाम में सबसे बेस्ट है इफ़ यू वांट टू एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सबसे बेटर ऑप्शन है इस ग्रैब। तो आप ग्रैब से कर सकते हो। अभी अराउंड 20 किलोमीटर्स हमारे को कवर करना है हमारे होटल तक, तो उसका चार्ज अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में 1400 रुपीज़ के आसपास हो कर रहा है। बाकी फाइनल बिल जो भी होगा वो हम देखते हैं। काफ़ी थक गए, कल से ट्रैवल कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन शाम को हाँ ऐसा दिमाग घूम गया ना, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी वापस होटल जाएंगे, फ्रेशन अप होएंगे, फिर शाम को देखते हैं शाम का क्या प्लान है। इंडियन फूड मिल गया वियतनाम में सलोनी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज भूख लग रही थी, फाइनली नान और पनीर वगैरह मिल गया है, प्याज थोड़ा बड़ा है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा। इट्स गुड इन वियतनाम कि हमारे को इंडियन फूड मिल गया। विल शो यू द रेस्टोरेंट नेम। और अभी तो फिलहाल हम खाना खा लें और so this was Indian restaurant. So मतलब इंडिया सारे फूड आइटम मिलते हैं इधर। टेस्ट अच्छा था, काफ़ी गुड था, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा ओवर प्राइस है। वियतनामी डोंग की बात करें तो टोटल 4,72,000 के आसपास का बिल बैठा। According to you, what is the best way to explore a city? And according to me, the best way is कि आप just walk on foot, पैदल चलो and काफ़ी मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं वो जो रेलवे पे कॉफ़ी स्ट्रीट है, कॉफ़ी और कॉफ़ी टी स्ट्रीट, वहाँ पे जा रहे हैं। देखते हैं अभी टाइमिंग, तो शायद 4 बजे की एक ट्रेन थी, अभी 4:15 हो रहे हैं, वो तो ट्रेन निकल गई, अभी दूसरी ट्रेन पर वैबली 6 बजे आएगी, तो विल वेट फॉर दैट। बाकी हाउ इट लुक्स, एयरफोन नहीं लाया? नहीं हाँ क्या कार्ड? हाँ रखिए, मेरे पास ही है। चलो नहीं, और फीलिंग कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है।
गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3 ऑफ आवर वियतनाम ट्रिप। आज हम जाएंगे हालोंग बे क्रूज राइड के लिए। फिलहाल तो अभी होटल में रेडी होके वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। हाँ, पता नहीं क्या देते हैं भाई। बाकी लेट्स सी, हमने वेज दे, बस हमने रिक्वेस्ट करा था उनको कि वेज ऑप्शंस होने चाहिए ब्रेकफास्ट में। इट वाज इंक्लूडेड विद आवर होटल स्टे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। सो हम फाइनली अभी क्रूज लाइन के लिए निकल रहे हैं यार। ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं उनका, सिख वो कौन था, सिर्फ आज बीमार था, सो दे डोंट हैव एनी ब्रेकफास्ट। हम लेकिन इंडियंस है भाई साहब, हम इंस्टेंट नूडल्स लेके आए थे, हमने वो बनाया खाया और फिर हम आ गए। हमारी बस टाइमली पिकअप करने वाली, मेरा आइडिया था, इसका आइडिया था, ऐसा इसको लगता है। वी आर गुड। तो अभी हम जा रहे हैं हालोंग बे क्रूज के लिए। देखते हैं मतलब कितने टाइम दिखा रहा था यहाँ से। 3 घंटे 3 घंटे का टाइम अभी यहाँ से लगेगा। इट्स जस्ट 140 किलोमीटर से जस्ट, या इंडिया में होती तो भाई साहब 2 घंटे में ला देते, बट यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे मे बी ट्रैफिक एंड ऑल। सो देखते हैं, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। चाय नहीं मिली, चाय मैं चाय बन जाता हूँ भाई, मैं चाय बन जाता हूँ, सारी मेरी गलती है। अगर आपको सुबह चाय कॉफी पीने की आदत है तो अपना लेके आना, इंस्टेंट वाला लेके आना भाई, हम लाना भूल गए तो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। माय निकनेम मिस्टर बीन, मिस्टर बीन वेरी इजी। यू नो व्हाई आई हैव द निकनेम मिस्टर बीन। सर अभी हम इधर आ गए हैं, अभी तो हालोंग बे पहुंचे नहीं, आधे रास्ते पे ही हैं। तो जैसे अपने इंडिया में होता है कि कोई लॉन्ग जर्नी बस में बीच में ढाबे वगैरह पे रुकते हैं, वहाँ पे कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोका है इन्होंने। बेसिकली आप चाय कॉफ़ी वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, और इन पे काफ़ी सारे दुकान्स भी थी, ये हैंडमेड पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स नहीं वो एक्चुअली थ्रेड से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसका था वो, मतलब था बहुत अच्छा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है मतलब। तो हमने सिर्फ एक चिप्स का पैकेट लिया और वी हैड आवर कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कॉस्ट अराउंड 50,000 वियतनामी डोंग। तो अभी तो सब सही है, मौसम भी काफ़ी प्लीजेंट है, धूप निकल रही है हल्की सी, सो आई गेस कि आज शाम तक और कल भी धूप निकले ताकि हम प्रॉपर सनसेट और सनराइज़ देख पाएँ। ये हमारी बस है जिससे हम हनोई से हालोंग बे जा रहे हैं। If you pay your shoes, maybe you can switch. और ये चल रही है हमारी बस। Okay, if you want to go, you can get on by this bus. Go to this bus first. फाइनली रीच्ड हम हार्बर पे आ गए हैं। अभी हम यहाँ से छोटे शिप में अपने बड़े क्रूज पे जाएंगे।
बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है। हेलो मूवमेंट तो नहीं कर रही, मुझे दिख नहीं रहा आगे का, तो चलूंगी ऐसे। तो अनिकेत आपको डक खाएंगे। डक 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 अनिकेत को नॉन वेज फूड बहुत पसंद है ना, तो ये डक खाएंगे और मेरे लिए टोफू। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है बोलता। शिप में अभी हम क्रूज़ में आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब वियतनाम के लिए हाईली हाईली रिकमेंडेड है कि जो आप वियतनाम आ रहे हो तो हालोंग बे ज़रूर आओ एंड ट्राई टू टेक एटलीस्ट टू डे एंड वन नाइट वाला पैकेज, क्योंकि जो वन डे पैकेज होता है, डे पैकेज, वो 4-5 घंटे का होता है, उसमें कोई इतना खास मज़ा नहीं आएगा, यू विल नॉट एन्जॉय इट वेरी मच। बट 2 दिन और 1 रात वाला काफ़ी सही है, सफिशिएंट है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा बजट का इशू है, लेकिन फिर भी ट्राई टू डू कि मतलब आप 2 दिन और 1 नाइट कर लो, इट्स वेरी गुड, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारा क्रूज़ है, ओएसिस बे क्रूज़, बहुत बहुत सही लग रहा है। लंच हो गया हमारा, क्रूज़ पे ही इन्होंने दिया, कुछ वेज कुछ नॉन वेज था। इट वाज नॉन वेज ऑप्शंस आर नॉट दैट वेरी गुड, मतलब ठीक था, बट अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हैं स्पेशली इंडियन, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू विल लव। सो स्टिल विल फिगरिंग इट आउट, बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है यार। फर्स्ट टाइम क्रूज़ पे आए हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा कि ये क्रूज़ है, बिल्कुल ऐसे होटल टाइप ऑफ फीलिंग आ रही है। बालकनी है क्या ये? Yes. ये बेड किसके लिए लगाया है? ये अनिकेत कैसा लग रहा है? अरे यार सुपर वाली फीलिंग आ रही है, अपने को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सुपर व्यू आ रहा है, शानदार बेड, सुपर व्यू, और वॉशरूम इज वेरी गुड। होम फॉर नेक्स्ट 2 डेज। ये वॉशरूम है अपना, काफी बढ़िया है यार, मतलब बड़ा भी है। हाँ, और इसमें स्मेल भी नहीं आ रही, जो मुझे फील हो रहा है स्मेल स्मेल। तो बाहर जैसे हम जब बाहर थे थोड़ा सा पे बाहर, तो समुद्र का थोड़ा सा वो लगता ही है। Like I was talking the whole time and it was chill. Everyone was laughing.
कैसा लग रहा है? अरे यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है। इतना बढ़िया बीच, बीच पे नहीं, अपन तो समुंदर के अंदर ही है, क्रूज पे बहुत मज़ा आ रहा है। पर बारिश आ रही है, काफ़ी सारे क्रूजेस हैं बट थोड़ी बारिश आ रही है जिसकी वजह से अपना वो थोड़ा सा वो हो गया है व्यू। दिस इज़ द क्रूज, अनदर क्रूज। यू से नाउ हाउ यू फीलिंग? गुड, बारिश आ रही है वरना ऊपर जाके व्यू देख सकते हो जैसे हमने दिन में देखा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हमारे ट्रिप का चौथा दिन और हमारे क्रूज पे दूसरा दिन। बहुत ही प्लीजेंट मौसम है, बढ़िया। सुबह सुबह मैं उठ गया मस्त, हो बाहर के व्यूज़ बहुत ही प्यारे हैं। मतलब जस्ट यू कैन सी फ्रॉम आर बालकनी, बहुत सही व्यू है। चारों तरफ आइलैंड है और हमारा शिप बीच में घूम रहा है और काफ़ी सारे शिप्स हैं। सो ये तो मतलब मस्ट रिकमेंडेड है, यू डेफिनेटली शुड गो टू अ क्रूज राइड इन हालोंग बे। यहाँ पे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था इसलिए अनिकेत मेरे लिए ऑमलेट बना रहे हैं। तो मेरे लिए बना रहे हो? हाँ, अब क्या करें भाई, सब करना पड़ता है ये सब। थैंक यू। So this is the breakfast. Should I open an Indian restaurant in this now? Yeah. Don't you think so? Yes. अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टूट जाएगा तो इट्स ओके। ऐसा करके फटू खराब नहीं हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बस ध्यान रखना। हाँ ऐसे करके पलट दो, पलटे के जैसे। हाँ वेरी 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 गुड। हम जल्दी आ गए और ये लोग पिक्चर बना रहे थे तो हमने अपने लिए खुद ही ऑमलेट बना लिया। मैंने बनाया प्लीज। ये कुछ कुछ ऐसे पैन में से बोल दो करके बनाते हैं, देखने में वो भी अच्छा लग रहा था बट इसकी तो बात ही अलग है। Finally we got something well out in Vietnam. So हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, काफी डिलीशियस था और अभी हम डिलीशियस तो था, डिलीशियस में क्या था, खीरा, टमाटर और क्या था, ककड़ी, हैम, जूस, कॉफी, ब्रेड बटर भी तो था विद नो मिल्क, नो शुगर, ओके, ब्रेड बटर, बस ब्रेड बटर ही अच्छा था। हाँ ब्रेड बटर काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम शिप के क्रूज के ऊपर वाले डेक पे आए हैं, यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है। ये बनाना तो चाह रही है भाई साहब टाइटैनिक का पोज लेकिन हो नहीं पा रहा,
कोई बात नहीं, डोंट गो देयर। Hey, तो फाइनली हम हनोई पहुंच गए हैं, हमारा क्रूज टाइम खत्म हो चुका है और हमारा होटल अभी बुक नहीं हुआ है, तो अनिकेत वही देख रहे हैं। सो अनिकेत क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप यार मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था उधर ही रुक जाए, बट तो आना पड़ता है। सो कुछ होटल मिला के लिए होटल देखेंगे, ओवरनाइट इधर स्टे करेंगे, देन वी हैव फ्लाई टू कैश टुमारो टू हो ची मिन्ह सिटी, उधर तीन दिन उधर मजे करेंगे, देन वो सब मिला। सो फाइनली वी गॉट आवर होटल, ऑनलाइन तो कुछ मिला नहीं ढंग का, तो ऑफलाइन हमने ट्राई करा, थोड़ा बार्गिन करा और दे गिव अस डिलक्स रूम इन 500,000 VND, इसका रफली इंडियन रुपीज में होता है 1500 के अराउंड, सो 1500 के अराउंड, तो काफ़ी बढ़िया रूम है। इट्स ऑन 5th फ्लोर इन ओल्ड क्वार्टर्स, अभी आपको रूम भी दिखाते हैं। So basically this is the lobby and this is our room 503. This is our room, bed, this is cupboard. This is fan. You wanna try this? No, it's very cold. अंदर से लॉक कर लेंगे। एंड दिस इज द वॉशरूम, इट्स प्रिटी क्लीन। हेलो,